गाइज गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल। तो तुम्हारा भाई एक बार और फिर से तैयार हो गया है लखनऊ की गलियों से गुजरता हुआ। तो गाइज आज जो का जो प्लान है तुम्हारा भाई, देखो नहा धोकर रेडी हो गया भाई, यहाँ डेरी नहाना पड़ता भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो प्लान है नाश्ता करने का जा रहा हूँ, नाश्ता करके और यहाँ से हो सके अभी मैं निकल जाऊँ। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, दिखाते हैं आपको। तो गाइज यहाँ पे लखनऊ में ना कुछ इस तरह से कबूतर जो है बाहर रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग, वो दुकान के सामने है, शायद उस दुकान वाले के हों। तो कुछ ऐसा सीन है भाई यहाँ पर। अभी तुम्हारा भाई निकला है मदरसे से, तो ये कुछ देखने के लिए मिल गया, तो मैं कहा थोड़ा वीडियो बना लेता हूँ इनका भी। मैं ना अभी निकल चुका हूँ, और ये जो भैया है ना, मेरा सुबह का नाश्ता और दोपहर का नाश्ता इन्हीं के वहाँ रहता था, देख सकते हैं यहाँ पर। इनका जो सुबह में जो पूड़ी और सब्जी रहता था ना, इनका काफ़ी फेमस रहता था। तो अब तो भाई यहाँ से जा रहे हैं और इनको ज़रा याद करेंगे ज़रूर हम, और यहाँ से पैक भी करवा ली हम। तो आज ये हमारा सफ़र होने वाला है दिल्ली का, अब दिल्ली चलते हैं और दिखाते हैं आपको बस स्टैंड की कहाँ से जाने वाले हैं हम लोग। तो गाइस तुम्हारा भाई आ गया है ना, हाँ कैसरबाग भाई, बड़ी मुश्किल से आए कैसरबाग भाई, पैदल आना पड़ा और सामान भी साथ में है। तो कैसरबाग से ना अगर बस मिल जाए तो ठीक है, वरना चलते हैं आलमबाग। गाइस तुम्हारा भाई का जो सफ़र पता है, तुम्हारे भाई का अकेला होने वाला है, मैं हूँ और मेरा बैग है मेरे साथ, और बस ये कुछ पॉलिथीन लिया मैंने, पॉलिथीन ही इसमें समोसा पैक करा लिया मैंने कि रास्ते में भूख लग जाए ना। और अभी का जो सीन है, मैं जो है कि पढ़ के निकला हूँ, अभी मैंने खाना कुछ नहीं खाया है, क्योंकि मैं अगर खाना खा लेता हूँ ना तो मुझे वॉमिट होने लगती है, तो इसलिए मैं खाना नहीं खाया, मेरा पेट एकदम खाली है। और अभी निकलते हैं दिल्ली के लिए, और दिल्ली पहुँचेंगे हम लोग कम से कम सुबह में, ये रात का सफ़र कैसे कटेगा भाई, तो आपको बताते हैं। तुम्हारा भाई अकेला सफर कर रहा भाई, ये काउंटर है, काउंटर है, और ये हैं अंदर के लोग जो कि यातायात करने वाले जो हैं, इतने लोग हैं जाने वाले भाई। तुम्हारा भाई जा रहा भाई दिल्ली के लिए, तो ना ये मिल चुकी है और इसमें बैठते हैं और फर्स्ट से चलते हैं आनंद विहार, ये जाएगी बस। बस ना हमें मिल चुकी है, जो किराया है ना इसका 760 रुपये किराया है भाई इसका, और तुम्हारा भाई बैठ चुका है, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं भाई। तो दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली पहुँच कर दिखाते हैं आपको। यहाँ का कुछ सीन ऐसा है, जिस बस पर मैं बैठा था उस बस पर ना मतलब सीट नहीं थी, जो सीट मुझे चाहिए थी वो सीट मुझे नहीं मिली, तो जिसकी वजह से ना मुझे वो बस छोड़नी पड़ी, और ये मैं पीछे रास्ते पर अभी हूँ, और मैंने उबर बुक की है, अभी उबर से जाएंगे आलमबाग, और आलमबाग से बस मिलती है उसके बाद चलेंगे हम लोग। भाई जमा गए आलमबाग बस स्टैंड, आलमबाग बस स्टैंड आ गए हैं भाई। अभी तो मैं आ गया हूँ आलमबाग, देख सकते हैं लिखा हुआ भाई मेरे नाम का भाई, आधा बड़ा आधा है भाई, स्टेशन आलमबाग, आलमबाग है भाई ये पूछताछ एरिया ये वगैरह तिनका मत। और यहाँ से निकल रही है बस भाई, अपनी वाली बस कहाँ है भाई, वो तो देखना पड़ेगा मुझे, देखते हैं भाई अपनी वाली बस है किधर, और ढूंढते हैं और उसको लेते हैं उसके बाद जो है। हाँ ये मैडम जो ना बढ़िया काम कर रही है, मेरी तरफ ही देख रही थी, बट अभी उधर मुंह निकल रही है। ये अंकल मिल गया मुझे दिल्ली वाले, इनके साथ जाएंगे दिल्ली हम। बस है ना तुम्हारा भाई विंडो पे चाह रहा है भाई, विंडो पे चाह रहा है, तो विंडो पे तो जगह मिल रही नहीं है, अब देखेगा तुम्हारा भाई दूसरी बस देखेगा भाई। तुम्हारे भाई का कुछ ये हाल है भाई, ये आधा मतलब ये ना एक इधर का है भाई, एक बैग है भाई, जिंदगी में पहली बार सफर कर रहा हूँ भाई, कुछ आइडिया नहीं है,
धीरे धीरे आप ही लोग से सीखना है सब। तो दिल्ली के लिए भाई बस, दिल्ली के लिए बस मैं वो लूँगा ना जो मुझे ना विंडो के पास जो कि जगह मिले मुझे। हमारा बैग जो कि चैन सब खराब हो गया भाई, और यहाँ पे ना रेवड़ी का सबसे ज़्यादा स्टॉक है यहाँ पे। और भाई ये वाली बस में मैं बैठने वाला था भाई, ये वाली 1260 रुपये मांग रहे हैं, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं कि मैं बैठूँ उस पर। तो अंकल ने कहा कि 1100 दे देना, मैं कहा मेरे पास अंकल 700 रुपये हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो भाई तुम्हारा भाई अभी जो कि आलमबाग स्टेशन पर ही बस अड्डे पे, ये भाई हमारा कुछ यूँ हाल हुआ है अभी। अभी तो ज़्यादा कुछ हाल नहीं है, बट यही है कुछ जो है तुम्हारे भाई के सामने है। तो गाइस मेरे अबे पैसा भी मांगते हुए शर्म लग रही मुझे तुम लोग से। तो गाइस देखते हैं कोई अगर सस्ती वाली बस जाती है तो उस पर जाएंगे, क्योंकि दिल्ली ही जाना है, चाहे एसी से जाए चाहे नॉर्मल से जाए, बात एक ही है। 1260 मांग रहे भाई, बहुत ज़्यादा मांग रहे पैसा, बहुत ज़्यादा मांग रहे। तो गाइस तुम्हारा भाई पहुंच गया दिल्ली, और आज का जो वीडियो होने वाला गाइस ना, आज का जो वीडियो का अगर टाइम मिलेगी तो एडिट करके अपलोड कर दूंगा, वरना फिर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं चला था 8 बजे रात में, और अभी पहुँचा हूँ सुबह, और सुबह के जो कि बज रहे हैं अभी बज रहे हैं 6:30। तो जैसा होगा मैं जो कि अपडेट कर दूंगा, अपडेट देता रहूँगा। हमारा भाई दिल्ली पहुँच गया भाई, दिल्ली। तो तब तक के लिए बाय बाय।